नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एल्टो एलेक्स का गियर ऑयल चेंज करेंगे, तो कैसे कैसे चेंज करना है और किस तरह से ड्रेन करना है तो वो सारा कुछ आपको बताएंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कोई भी गाड़ी का हम गियर ऑयल चेंज करते हैं तो ड्रेन का बोल्ट है वो नीचे दिया होता है, तो ड्रेन तो हम कर लेते हैं सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। पर डालने के लिए जो जहाँ पर हम ऑयल डालते हैं तो जो बोल्ट होता है वो नीचे होता है, एक्सेस नहीं कर पाते, सही से डलेगा नहीं या फिर बाहर गिर जाएगा गियर ऑयल। तो उसके लिए आपने को एक ऐसी कीप बनानी पड़ेगी और एक ऐसी पाइप चाहिए होती है। तो सिंपल छोटी कीप भी आप लेके आ सकते हैं मार्केट से, छोटी जो कीप आती है उसमें आप पाइप में लगा के, और ये चीज़ गत्ते की भी बना सकते हैं। तो ये मैंने एक्सरे की बनाई है, यहाँ टेप से चिपका ली है इस तरीके से, और ये उसके अंदर डाल देंगे तो यहाँ से ऑयल चला जाएगा। तो इसको एक बार क्लीन जरूर कर ले, जैसे पुरानी पाइप अगर पड़ी होती है इसको क्लीन करके फिर आप डालें उसमें। दोस्तों, गियर ऑयल निकालने के लिए ये नीचे बोल्ट दिया है, यहाँ से ड्रेन करेंगे तो उसके लिए आपको गाड़ी उठानी पड़ेगी इतनी, इस हिसाब से जैक लगा के आप गाड़ी उठा लें। और ये वाला जो बोल्ट है, कईयों का बोल्ट जैसे बाहर होता है तो इसका नीचे इसलिए बाहर नहीं है, नीचे जैसे लग के बाद टूट जाता है, इसलिए ये बराबर है। तो ये स्क्वायर बोल्ट है, 10 mm का स्क्वायर बिट लगेगी इस तरीके की। तो इसको पहले खोलने से पहले आप इसको क्लीन कर ले अंदर से। कई बार क्या होता है जैसे बिट वो अंदर जाती नहीं तो बाहर रह जाती है, तो जैसे जोर लगाते हैं तो ये स्लिप हो जाता है, तो फिर ये बड़ी मुश्किल से खुलता है, वेल्डिंग वगैरह करके खोलना पड़ता है, दिक्कत होती है। तो इसका पूरा क्लीन करके और फिर 2-3 बार आपको चोट लगानी है यहाँ पे इस पर, इस जगह। एल्यूमिनियम का होता है वैसे जो बाहर की बॉडी है, और नट है वो आयरन का है। तो पूरा इसको क्लीन करके फिर इसको खोलेंगे। और ये मैंने जो इसका टूल है वो घर पे बनाया है, मैं पहले वीडियो उसमें दिखा चुका हूँ। ये इसकी बाइक की किक है, तो ये आगे से पक्की होती है। वैसे अगर आप टूल लोगे तो 1500 रुपये का आएगा ये वाला टूल, मतलब 10 mm की जो स्क्वायर बिट है वो 1500 रुपये की आती है, बढ़िया कंपनी की। और ये वाली जो अपना एडजस्टेबल है वो इसमें लग जाएगा यहाँ पे, तो इस तरीके से हम इसको खोल सकते हैं। तो अभी इसको खोल के देखते हैं एक बार। ये देखो दोस्तों, खुल गया है। तो इसी तरीके से आप खोल सकते हैं उसको। तो कईयों का नट जैसे यहाँ साइड में या यहाँ लगा होता है तो वो क्या बाहर की तरफ होता है, उसमें सिंपल रिंग स्पैनर या फिर सी स्पैनर लग जाता है। इसको थोड़ा लूज कर लेते हैं, फिर इसके नीचे कोई बर्तन वगैरह उसमें निकालेंगे हम। इसको पूरा खोल लेते हैं एक बार। पूरा खोल के आपको एकदम से इसको साइड में करना है ताकि अंदर ना गिर जाए। और इसके अंदर मैग्नेट लगी होती है। ये देखो दोस्तों, ये लोहे के जो पार्ट्स घिसकर इसके ऊपर इकट्ठे हो गए हैं, ये सारे लोहे के हैं। अगर यहाँ पे ये मैग्नेट ना हो तो ये सारे के सारे ऑयल के अंदर घूमते रहे और अपनी जो गियर की जो गरारी है या गियर है उनको ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि उस उनमें जगह इतनी होती है कि ऑयल ही काम कर सकता है उसमें। ये सारे पूरे अच्छे से क्लीन कर लेते हैं दोस्तों। ये गियर ऑयल है एलेक्स आई, मारुति एलेक्स आई के लिए, तो 2.5 लीटर है, 7590 है। तो कई भाई लोग पूछते हैं कि गियर ऑयल अच्छा कौन सा होता है, तो सबसे पहले तो आप कंपनी का गियर ऑयल लो। और चेक करने का तरीका है, जैसे पूरी ठंडी होती है, मान लो 1 डिग्री या 2 डिग्री टेम्परेचर है, 10 डिग्री है, तो उसमें क्या है कि आपका जो गियर ऑयल है वो जमना नहीं चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जब ये गर्म हो जाता है, मतलब 80 डिग्री तक गर्म हो जाता है, उसके बाद भी पतला नहीं होना चाहिए। तो यही गियर ऑयल की सबसे खासियत, अच्छी खासियत है। तो इस तरीके से वैसे कोई चेक तो कर नहीं सकता, एक बार ठंडा करके देखेगा वो गर्म करके। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप कंपनी का कोई भी गियर ऑयल ले ले तो वो अच्छा काम करेगा। जैसे ये टोटल का मैंने MGP से लिया है, MGP वाले टोटल का सेल करते हैं, और जैसे कैस्ट्रोल हो गया या सर्वो का हो गया, तो ये सारे गियर ऑयल अच्छे हैं, तो इनका यूज़ कर सकते हो आप। दोस्तों, ऑयल पूरा ड्रेन हो गया, अभी इसको नट टाइट कर देते हैं। इसको फ्लश नहीं करना है कभी भी। कई भाई क्या करते हैं, इसमें डीजल या पेट्रोल डाल के फ्लश करते हैं, या कोई और कंपनी का फ्लश डाल के उससे फ्लश करते हैं। तो गियर बॉक्स को कभी भी फ्लश नहीं करना चाहिए। अभी इसको टाइट कर देते हैं, और जहाँ से ऊपर ऑयल डालते हैं वो बोल्ट अभी खोलेंगे। दोस्तों, जहाँ से हम ऑयल डालते हैं वो ये वाला नट है, जहाँ पे देखो टूल लगा हुआ है, ये वाला आगे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से वीडियो बन नहीं रही थी तो मैंने पहले इसको लूज़ कर लिया इसी टूल से। तो इसी तरीके से आप कर सकते हो। कई बार क्या होता है, ये नट खुलता नहीं है, तो उसका मैं सोल्यूशन बता देता हूँ आपको। मतलब या तो उसका आगे का जो फेस है वो ख़राब होता है, या कई बार जाम ज़्यादा होता है तो खुलता नहीं है। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में एक स्पीडोमीटर की तार लगी होती है गियर के ऊपर,
वो यहाँ से दिखाई नहीं देगी, वैसे कैमरे में नहीं आएगी, ये काफ़ी नीचे लगी हुई है। तो उसके 10 नंबर का नट लगा हुआ है, स्पीडोमीटर का जो कनेक्शन होता है वो देख के आप उसको ओपन करके वहाँ से वो डाल सकते हो। दोस्तों पूरा 2.5 लीटर इसमें हमने डाल दिया है, बाकी ये तो चलो पूरा 2.5 लीटर है इसी के लिए, अल्टो के लिए। बाकी कई बार लूज ऑयल डालते हो आप तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें जैसे जहाँ से हम डाल रहे हैं वहाँ से जब वापस आना स्टार्ट हो जाए तो ऑयल आपका पूरा हो जाता है, उसमें गेज वही होता है। जैसे मारुति 800 या कई गाड़ियों में गेज दिया होता है, तो इसमें गेज वही है, बस जहाँ से अगर वापस आने लग गया तो ऑयल पूरा हो जाता है। दोस्तों गेयर ऑयल डाल दिया मैंने पूरा, ये थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा हो गया था, बिल्कुल थोड़ा सा निकला था यहाँ से, तो हमने ये बोल्ट टाइट कर दिया। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।